जैसे कि आप सभी को मालूम होगा और जिसको मालूम नहीं भी है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सीजी व्यापम की तैयारी कैसे करते हैं, सीजी व्यापम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कराया जाएगा। जैसे कि हाल ही में भी प्रयोगशाला परिचालक और प्यून और चपरासी की भर्ती निकली है जिसके एग्ज़ाम बहुत जल्द हो सकता है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सीजी व्यापम हो, पीएससी हो, उसमें छत्तीसगढ़ का पूछा ही जाता है। तो प्रयोगशाला परिचालक में आपका 40 नंबर के छत्तीसगढ़ के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको भारत का भूगोल भी आपको पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर और भारत का करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही आपका 60 नंबर का आपका जीव विज्ञान यानी कि प्रयोगशाला परिचालक में आपका 60 नंबर के विज्ञान के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना अनिवार्य है, वो भी 9वीं 10वीं के उच्च स्तर का बोला है, लेकिन आपको 12वीं तक पढ़ लेना है, ठीक है। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, है ना। मैं देखिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन नहीं बताऊँगा, बहुत सारे वीडियो में मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। कई लोग बोलते हैं कि सर आप इंट्रोडक्शन दीजिए करके, मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता कोई भी वीडियो में, है ना। और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं भी आपको आप ही की तरह सीजी व्यापम पीएससी का भी प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक है, और आपको भी करवाता हूँ, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है उनको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, है ना। उसी प्रकार देखिए, अब हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी छत्तीसगढ़ की क्लासेस नहीं चल रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद हम लाइव क्लास लेने का प्रयास करेंगे, कुछ दिनों बाद। अभी तो अभी नया साल आया है, आज नया साल है ना, तो मैं सोच रहा था कि वीडियो इसके लिए बना दूँ करके, तो ये वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। कई लोग वीडियो को देखते भी नहीं हैं, मतलब स्टार्टिंग देखेंगे, लास्ट तक देखते नहीं हैं। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर पाएंगे। आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। कोई भी, अब कोई भी वीडियो देखो, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरे ही वीडियो देखे ना, कोई भी किसी का वीडियो देखो, लेकिन एक बार प्रिपरेशन अच्छे से करना और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना, आपको एग्ज़ाम निकल जाएगा। और मैं यही समझाने के लिए इस वीडियो में आप ये वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे अभी मान लीजिएगा प्रयोगशाला परिचालक में छत्तीसगढ़ के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें प्यून और चपरासी के भर्ती के भी है, उसमें आपका 100 नंबर के प्रश्न छत्तीसगढ़ से है। अब कोई भी एग्ज़ाम लो, कोई भी एग्ज़ाम लो, जैसे CGPSC हो गया, व्यापम हो गया, उसमें छत्तीसगढ़ के टॉपिक पूछे जाते हैं। और हॉस्टल वार्डन में आपके कंप्यूटर के 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा, अगर जिनको तैयारी करना है तो अभी मैं 2-3 दिनों के बाद लाइव क्लास लूँगा शाम 7:30 बजे छत्तीसगढ़ की और हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर का, है ना। तो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, उसमें आपका कवर हो जाएगा जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे पहले आपको मैं कहूँगा, विगत वर्षों को प्रश्न उठाकर देखिएगा कि कैसे और किस पैटर्न पर एग्जाम प्रश्न सीजी व्यापम उठाकर आपको दे रहा है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए, जो भी क्वेश्चन आता है उनको मैं प्रयास करता हूँ आपको बताने का, ठीक है। वीडियो में समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप जितना हो सके टेस्ट दीजिएगा, जितना हो सके आप मॉक टेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा, जितना हो जाएगा ऑब्जेक्टिव को और जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न पूछे गए उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। साथ ही आप देखिए, CGPSC में 11 फरवरी को उसका एग्ज़ाम भी है, साथ ही अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलने वाली, जैसे भी हाल ही में देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, बहुत सारे निकलने वाली है ना। तो आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। या फिर आप कोई भी YouTube से वीडियो आप देख सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा सिर्फ मेरा ही वीडियो देखिएगा, मैं आपको मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। अगर ये वीडियो में आपको कुछ अनुभव मिले, आपको कुछ एक्सपीरियंस, आपको कुछ जो भी जानकारी मिलता है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, हमें एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि इस वीडियो में आपको कुछ हेल्प मिला, कुछ गाइडलाइंस मिला। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। मैं यही कहूँगा कि जितने भी एग्ज़ाम में CGPSC हो या व्यापम में हो, आप एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, जितने भी विगत वर्षों से पूछे गए हैं सभी के क्वेश्चन को एक बार टेस्ट के रूप में पढ़ते जाइएगा, आपका एनालिसिस कीजिएगा, वहाँ से आपका मैं कहूँगा 50-60% आपका क्लियर हो जाएगा।
और आपको ये भी आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे प्रश्न और कहाँ से कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। और करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर आप कोई भी बुक वगैरह से आप पढ़ सकते हैं, कोई भी, जैसे कि बहुत सारे आते हैं, अर्जुना है, योजना चक्र, बहुत सारे आते हैं, आप पेपर पढ़िएगा डेली, करंट अफेयर पढ़ते रहिएगा, एग्जाम वहाँ से आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ हेल्प मिला होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर आप छत्तीसगढ़ SCG व्यापम PSC की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे क्लासेस कुछ दिनों बाद लाइव क्लास लिया जाएगा। फिलहाल मैं ये सोच रहा था कि जो पुराने वीडियो मैंने अपलोड किया उसको डिलीट कर दूंगा करके, लेकिन दो तीन लोग स्टूडेंट जो है मुझे बोले कि सर अब पुराना वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है तो उसको डिलीट मत कीजिएगा, तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो जितना भी है एक बार रिवाइज करिएगा, है ना। और चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मैं जो बताया आप समझ गए होंगे, है ना। तो फिर नया स्टार्ट करेंगे, फिर नए बेस से नए समय पर, मैं आपको बता रहा हूँ शाम 7:30।